149 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लोकतंत्र में आज सबसे बड़े जश्न का दिन है। अगर आपकी सीट पर वोटिंग है जरूर डालिए। इस बीच आपको दिखाते हैं तस्वीरें। तीन तीन कैबिनेट मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है, सात राज्य मंत्रियों की। ये जो फिल्म एक्टर्स आज पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, उन तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई में लड़ाइयां बहुत दिलचस्प है। 6 सीटें हैं मुंबई की और नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर आप मुंबई नॉर्थ सेंट्रल आप देखें तो उज्ज्वल निकम वो चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर है। सितारों की वोटिंग की तस्वीरें हैं। इसी के साथ लखनऊ में सबकी नजर है, राजनाथ सिंह वहां से चुनावी मैदान में है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं पीयूष गोयल, साध्वी निरंजन ज्योति, मिहिर कोटेचा और साथ ही आशीष शेलार, और बीच में मायावती जी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो अपना वोट डालने के लिए पहुंची है। 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पांचवें चरण का चुनाव है। आज की वोटिंग खत्म होने के बाद 79% सीट्स पर वोटिंग खत्म हो जाएगी, सिर्फ 21% सीटें ही बचेंगी। सबकी ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द, क्योंकि तेजी से गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है, कई जगहों पर तो पारा 45 पार पहुंच रहा है, गर्मी भी उसी तेजी से बढ़ रही है। और चाहे वो उद्योगपति हो, फिल्मी जगत के लोग हो या फिर राजनीतिक मैदान के दिग्गज, जिन सीटों पर लोगों की नजर है उसमें मुजफ्फरपुर, मुंबई, अमेठी, जालौन, बांदीपोरा, इन तमाम सीटों पर नजर है। उरी में भी आज वोटिंग है। बारामूला से देखिए, उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। वहीं रायबरेली जहां राहुल गांधी हैं, गोंडा, हुगली, लेह, कुपवाड़ा, हजारीबाग, सारण की सीट जहां पर राजीव प्रताप रूडी लगातार बीजेपी के टिकट पर जीत रहे हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला रोहिणी आचार्य से है, लालू प्रसाद यादव की बेटी से। वो सीट भी ऐसी दिलचस्प है जिस पर लोगों की नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, महाराष्ट्र में 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, लद्दाख की 1, जम्मू कश्मीर की 1 सीटों पर आज वोटिंग है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज वोटिंग हो रही है। 28 में से 20 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएगा आज की वोटिंग के बाद। 428 यानी 79% सीट्स पर वोटिंग खत्म। पांचवें फेज में जो गठबंधन है उसके नजरिए से अगर आप देखिए तो 49 में से 40 सीटों पर बीजेपी चुनावी मैदान में है। एनडीए की तरफ से शिवसेना, शिंदे गुट 6 पर, जेडीयू 1, एलजेपी 1। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन देखिए तो कांग्रेस 18 सीटों पर है, समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर लड़ रही है, यूबीटी ग्रुप जो शिवसेना है वो 8 सीटों पर, सीपीएम 5 पर, आरजेडी 4 पर। तो दोनों के अगर आप गठबंधन को भी देखें तो चुनावी मैदान में कौन कितनी सीटों पर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबकी नजर है रायबरेली और अमेठी पर। सबसे ज्यादा चर्चा अगर आपने इन चुनावों में सुनी होगी तो इन्हीं दो सीटों पर सुनी होगी, इसीलिए आइए आपको सुना देते हैं अमेठी की लड़ाई, क्या कह रहे हैं दोनों प्रत्याशी। हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूँ कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। सबने मेहनत करी है, आज जनता वोट करेगी तो जिसके भी काम को पसंद किया होगा उसको देगी। आप क्या ग्राउंड से भाग पाए, आप लगातार प्रियंका गांधी के साथ थे मैदान? मेरे को तो अच्छा लग रहा है इलेक्शन, ऐसा मतलब नहीं, क्योंकि जनता खुद ही तैयार है, हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा जनता उत्साहित है। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने से कितना बदलाव हुआ जो कैंपेनिंग में वो लगातार यहाँ रही? नेचुरली जैसे राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, ये तीनों लोग आए मेरी कैंपेन में तो अच्छा उसका प्रभाव पड़ा। कौन कौन कैंपेन करने आया था वो केएल शर्मा बता रहे हैं। स्मृति ईरानी के लिए भी अगर आप देखिए तो पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, कांग्रेस पार्टी ने इस बार केएल शर्मा को उतारा है, उनके लिए भी ये साख की लड़ाई है। लेकिन इस बीच आइए आपको मुंबई लिए चलते हैं। जो मैं आपको बता रही थी, पीयूष गोयल अगर मुंबई नॉर्थ से है तो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्ज्वल निगम है, जिन्होंने कसाब को फांसी तक पहुंचाया था। ऐसे में इन दोनों उम्मीदवारों की तरफ से क्या आज कहा जा रहा है वोटिंग के दिन, सुनिए। मेरा परिवार आज
मोदी जी के परिवार के साथ सम्मिलित है और मोदी जी के परिवार ने जिस प्रकार से भारत के भविष्य को बनाने का निर्णय लिया, मेरा परिवार भी उसके साथ भारत में आगे एक उज्जवल भविष्य उसमें जुड़ा है। दोनों बच्चे बाहर से आए हैं, मुंबईकर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। लोकशाही में मतदान करना एक उत्सव है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर कोई मुंबईकर अपना ये हमारे संविधान ने दिया हुआ हक से जरूर बजाएगा और बहुत से ज्यादा मतदान करेगा।